इस लेक्चर के अंदर अब जो चीज आप देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रिजॉल्व करने के एडवांस मैथड्स हम देखने वाले हैं और साथ में थोड़े समय आपको पिछले वाले भी रिपीट करवाऊंगा बट जस्ट फॉर द नेम्स लेट्स सी माई स्क्रीन एंड यू कैन सी हेयर जो एडवांस मैथड्स हैं एडवांस मैथड्स बात है जो बेसिक हैं उन्हीं के ऊपर ही बेस करते हैं के कौन कौन से वो मैथड हैं सबसे पहला मैथड जो अभी तक हमने देखा है अब आपने मेरे साथ दोहराने के कौन कौन से हैं वो है ग्राफिकल मैथड टू सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकल मैथड ठीक है दूसरा मैथड कौन सा है आपको पता है मेरे साथ दोहराइएगा सब्सटी ट्यूशन मैथड सब्सटी ट्यूशन मैथड अगर आप मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपके ये नोट्स भी बनते जाएंगे और ये आपको हेल्पफुल साबित होगा ठीक है तीसरा मैथड है हमारे पास एलिमिनेशन मैथड एलिमिनेशन एलिमिनेशन मैथड चौथा मैथड हमारे पास कौन सा है दैट इज मैट्रिक्स मैथड मैट्रिक्स Method, लेकिन ये स्पेसिफिक मैट्रिक्स मैथड था जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया विच इज इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स इन्वर्जन का मेथड है, है? है मैथडे पांचवाने वाले मुश्किल मुश्किल नाम स्टार्ट होने वाले so लड्डू पीला कलर समझ तो गए होंगे लड्डू पीला कलर क्या होता है वो सो so ब्यूटीफुल वाली नहीं समझे चलो कोई मसला नहीं है तो गॉसियन एलिमिनेशन पहला मेथड है गॉसियन एलिमिनेशन एलिमिनेशन पहला मेथड है जी गॉसियन एलिमिनेशन ठीक है इसके बाद जो अगला मेथड होगा वो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन है यानी कि छटा मैं आपको समझाता हूं ये क्या होते हैं गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन ठीक है फिर हमारे पास आता है एल यू डी कंपोजिशन नंबर सेवन एल यू डी कंपोजिशन और बिलीव मी ये एल यू जो लिखा है ना ये आपको अभी समझ आ जानी है ये वो टक बाय लू नहीं है एल यू डी कंपोजिशन मैथड ये भी मेथड है मैं लिख नहीं रहा साथ पास देन हमारे पास आता है मेरा फेवरेट जो है वो है सिंगुलर डिकम्पोजिशन मैथड एस वी डी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन मैथड एस वी डी और ये एस वी डी बहुत जगहों पे यूज होता है खासतौर पे जब डिकम्पोजिशन यानी कि आप मशीन लर्निंग का पार्ट पढ़ेंगे ना मैथमेटिक्स उसमें यूज होती है जहां पे हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करते हैं सो एस वी डी है इसको मैं यहां पे लिखता हूं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ठीक हो गया देन नंबर नाइन इज इटरेटिव मैथड ठीक है इसको अगेन मैं लड्डू पीले में लिखूंगा इटरेटिव मैथड नंबर टेन बी खैमर क्रैमर्स रूल क्रैमर्स रूल सी आर ए एम ई आर Rule, rule. ये दस मेथड आपको आने चाहिए खास तौर पे जो मैंने आपको पहले बताए हैं विच वर वेरी इजी चार के चार वो तो आने चाहिए अब हम गैश एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन एल डी कम्पोजिशन मैथड एस वी डी एंड न्यूट्रेटिव मैथड्स को इकट्ठा देखने वाले हैं रीजन ये है कि इन मैथड्स को देखने के लिए जो टेक टेक्नीक मैं यूज करने वाला हूँ दैट इज आई विल जस्ट शो यू कि एक टेबल हम बनाएंगे और उसके अंदर इनको बारी बारी चेक करेंगे So, पहले मैं जो चीज यहां पर लाता हूं वो चार हमारे मेथड है वेट जस्ट अ मिनट हियर आई गो एंड ये जी हमारे चार मेथड हैं जो ऊपर वाले हमने अभी देखे हैं मैं आपको दिखाता हूं ये कौन कौन से हैं? ये हैं जी चार मेथड यही हमने देखा एंड uh, और अब जो इसमें मेन चीज है हमारे पास दैट इज़ मेथड्स यहाँ पे मैंने लिख ली है टिपिकल इक्वेशन उनकी आ गई है स्टेप्स टू रिजॉल्व आ गए हैं उनकी लिमिटेशन एंड बेनिफिट्स तो ये मैंने बेसिकली एल एल एम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ किया जिसको चैट जी पी डी भी बोला जाता है और उसका जी पी डी फोर वर्जन देन आई कन्फर्म कि एवरी थिंग इज वर्किंग फाइन तो ग्राफिकल मैथड में आप क्या करते हैं आप प्लॉट करते हैं ईच इक्वेशन को और उसको दो वेरिएबल्स को एक्यूरेसी और बाकी चीज़ों पर डिपेंड करती है एंड देन यू कैन सी द बेनिफिट्स

और कंबरसाम कुंबरसाम मैं भी ठीक हूं कंबरसाम सो आपके पास जो इमप्रैक्टिकल होगा वो ये वाला इम्प्रैक्टिकल होगा लिमिटेशन ग्राफिकल मैथड की जब आपके पास वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे ठीक है एंड देन मैट्रिक्स मैथड क्या होगा एक्स इज इक्वल टू बी जिसको हमने एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी भी बोला है ये वाला मैथड ये क्या करता है फॉर्मुलेट मैट्रिक्स इक्वेशन कैलकुलेट इनवर्स ऑफ ए एंड कंप्यूट ए इनवर्स बी ठीक है इनफीजिबल है ये नॉन स्क्वेड मैट्रिक्स के लिए ठीक है और सिंगुलर मैट्रिकस के लिए अगर आपका टू बाई टू थ्री बाय थ्री वाली फॉर्म में नहीं है मैट्रिक्स तो ये काम नहीं करेगा ठीक है क्यों क्योंकि इन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ हम किसकी करते हैं विच इज आ स्क्ड मैट्रिक्स अगर आपको याद हो ठीक है सो इस तरीके से हम उसको इन्वर्ट करके लिखते हैं और ये बेसिकली प्रिसाइज गुड फॉर कंप्लेक्स सिस्टम यानी कि अगर आपके पास स्क्र्ड कोई भी चीज है उसके लिए ये बेस्ट है स्क्वेर्ड कौन सी चीज़ होती है आपने देखा होगा जब भी कभी आप इमेजेस का डेटा लेते हैं इमेजेस के डेटा में आपके पास इमेजेस होती हैं अट्ठाइस बाय अट्ठाइस इस तरीके से या आपके पास इमेज होती है जनाब दो सौ छप्पन बाय दो सो छप्पन और आप देखेंगे कि आपके पास जब भी इमेजेस आती हैं यूजुअली उनकी इमेजेस की जो साइजेस होते हैं ना वो स्क्ड के अंदर होते हैं उसकी रीजन यही है कि आप जब स्क्वेड सिस्टम के अंदर किसी इमेजेस को रिजॉल्व करके लेके आते हैं ना इमेजेस को कन्वर्ट करके तो वो ईजी हो जाता है क्यों ईजी हो जाता है बिकॉज यू कैन एक्चुअली रिजॉल्व दम विद मैट्रिक्स मैथड्स एंड देन इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से चल रहे हैं अब इससे अगले मैथड मैं आपके सामने लेके आता हूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट दोज मैथड्स जिसमें स्टार्ट करेंगे हम ग्वेशन एलिमिनेशन मैथड से हम आगे आगे फिर उसमें मूव करेंगे तो मैं यहीं पर पे पेस्ट करता हूं ये हमारे पास अगले मैथड है सो so, पहला हमारे पास मैथड है ग्वेश्चन एलिमिनेशन मैथड गोशियल इनिमिनेशन क्या होगा अब अगर गौर करें हमने अपर ट्राइंगुलर फॉर्म यूजिंग रो ऑपरेशंस, यानी कि कन्वर्ट टू अपर ट्राइंगुलर फॉर्म हमने क्या करना है हमारा जो मैट्रिक्स है ना उसको अपर ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देना यानी कि ये मैट्रिक्स है ठीक है हमने इसको अपर ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना यूजिंग रो ऑपरेशन ठीक है रो ऑपरेशंस क्या होते हैं कि रोज की बेस पे हम मैट्रिक्स के अंदर कोई कंप्यूटेशन करेंगे जिसकी बेस पे हमारे पास वो मैट्रिक्स आ जाएगा देन वी विल यूज द बैक सबस्टिट्यूशन ठीक है कैसे किया जाता है इसको स्टेप 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 बाय स्टेप देखते हैं मैं सिर्फ आपको थ्योरी पहले बता दूं कि होता क्या है इसके अंदर ये बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन लेता है और ये जनरल मेथड है और एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स ये जो मेथड है ना ये मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स के लिए यूज होता है कंप्यूटेशन अगर आपके पास हाई है देन यू कैन यूटिलाइज दिस पहली चीज ये कॉशन एलिमिनेशन सेकेंड आते हैं हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मैथड पर सेम ये भी मैट्रिक्स का ही है. AX B पे ही लगेगा लेकिन यू कैन रिड्यूस मैट्रिक्स टू रो एक फॉर्म ये कौन सी फॉर्म होती है उसको भी हम देखेंगे एंड देन आप डायरेक्टली रीड ऑफ करते हैं सोल्यूशन को एक्यूलोन फॉर्म के अंदर जब आप किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं देन यू कैन सी के गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मैथड वहां पर लग रहा है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डोंट वरी लेकिन इसके बेनिफिट देख लें सिमिलर टू क्वेश्चन है कैन बी कम्पिटिशनल एक्सपेंसिव यानी कि वाला वाला और तकरीबन है, बैक सब्सिट्यूशन नहीं होती यह की याद रख लें इसमें है बैक सब्सिट्यूशन ठीक है इसमें नो बैक सब्सिट्यूशन ठीक है ये दो की याद रखिएगा फिर जब हम जाते हैं ना एल यू डी कंपोजिशन में तो हम क्या करते हैं डिकम्पोज ए को एल यू यानी कि अगर आप एल को देखें तो एल क्या चीज है यहां पे क्या ख्याल है ये हमारे पास यहां पे आया था अपर ट्राइंगल तो ये हमारे पास एल है लोअर ट्राइंगुलर एंड यू है अपर ट्राइंगुलर ठीक है तो हम क्या करते हैं ए को लोअर ट्राइंगुलर एंड अपर ट्राइंगुलर दोनों के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन वी सॉल्व फॉर लोअर ट्राइंगुलर y इज इक्वल टू बी और वी कैन एक्चुअली सी ऑल्सो यू एक्स इज इक्वल टू वाई यह असल में डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स हमारे पास बनते हैं ये लोअर मैट्रिक्स है ये अपर मैट्रिक्स है लोअर मैट्रिक को y के साथ और अपर मैट्रिक्स को अपर ट्राएंगुलर मैट्रिक्स को हम x के साथ डील करके ये इक्वेशंस को रिजॉल्व करते हैं ठीक है ये इक्वेशंस को रिजोल्व करते हैं ये हमारे पास इक्वेशन आएंगी एंड देन इट दिस रिक्वायर्स एडिशनल स्टेप्स टू परफॉर्म डिकम्पोजिशन डीकंपोजिशन क्या होती है मैट्रिक्स को छोटे हिस्सों में तोड़ना और वो जरूरी है इसके लिए करने का इस वजह से इस पर टाइम ज़्यादा लगता है बट ऑन द अदर साइड ये बहुत ज़्यादा सिस्टम्स के लिए यूज होते हैं। हैविंग द सेम ए यानी कि ऐसे सिस्टम्स जिनमें ए ए यानी कि मैट्रिक्स जो कॉफिशेंट हैं वो सभी में सेम रहें आप वहाँ पे ये यूटिलाइज कर सकते हैं इस किस्म के मेथड को मैं अभी आपको बताऊंगा आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू व्यू के कैसे चलते हैं सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन यह भी मैट्रिक्स पे परफॉर्म किया जाता है वी डिकम्पोज ए इंटू यू यानी कि अपर ट्राइंगुलर एंड देन हमारे पास मिशन आ जाती है फिर वी आ जाता है एंड यूज दिस टू सॉल्व द सिस्टम ये तीनों चीजें हमारे पास किस तरीके से आती हैं और क्यों हम इन्हें यूज करते हैं वैन वी विल डू दिस सॉल्व सॉल्व द मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन दिस देन वी विल सी कि ये तीनों चीजों को कैसे रिजोल्व करना है बट िस इज कंप्लेक्स एंड रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवांस लीनियर अल्जबरा अगर आपको एडवांस नहीं आता देन इट वुड भी वेरी डिफिकल्ट और सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन एस वीडी बेसिकली अगर आप हायर डायमेंशन को टू डी प्लेन के अंदर ड्रॉ करने चाहते हैं देन यू कैन यूज दिस एसवीडी डीकंपोजिशन ठीक है और यही चीज है जो आपको हायर डायमेंशन को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है यानी कि मोर देन टू वेरिएबल अगर आपके पास है वेरिएबल्स क्या है कॉलम्स अगर आपके पास 26 कॉलम्स हैं यू कैन एक्चुअली ड्रॉ दैम ऑन टू डी प्लेन यूजिंग सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन इस वजह से ये डिकम्पोजिशन इसकी ज़रूरी है और ये डेटा साइंस की बहुत पावरफुल टेक्निक है एंड फॉर इल कंडीशन सिस्टम वो क्या होते हैं वी विल सी दैट बट कीप इन माइंड कि ये एस डी जो है ये बहुत ज्यादा यूज़ होती है बहुत बहुत ज़्यादा मैं जितनी दफ़ा बहुत लगाऊंगा उतना कम है तो इस वजह से इस पर हमने ज्यादा फोकस करना है इटरेटिव मैथड्स क्या है स्टार्ट विद अ गैस एंड देन इटरेट रिफाइन एंड सोल्यूशन मिसाल के तौर पर मैं एम ही कह दूंगा एक्स की वैल्यू वन है एव ही कह दूंगा वाई की वन है एव ही कह दूंगा कोफिशेंट ये ये और उनको टेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा जहां पे कोई वैल्यू मेरे पास ओरिजिनल आ गई मैं कहूंगा ये ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हम कन्वर्जेंस जो है बिल्कुल स्लो कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि मैंने इतने ज्यादा एक्स एंड वाई सोच लिए कन्वर्जेंस होती है मैंने इतने ज्यादा एक्स एंड वाई सोच लिए अब उसमें से कन्वर्ज करके दो एक्स वाई पे कैसे पहुंचना है या एक एक्स वाई पे कैसे पहुंचना है इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस ठीक है ब्रॉडर से स्पेसिफिक की तरफ आना अगर आप गौर करें ब्रॉडर से स्पेसिफिक की तरफ आना तो अगर आप स्पेसिफिक की तरफ आ रहे हैं ब्रॉडर से और आपके गैस बड़े बड़े हैं तो इसका मतलब है छब्बीस एक्स की वैल्यू हैं छब्बीस वाई की वैल्यू सभी को टेस्ट करते 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 आप एक वैल्यू पे पहुंचते हैं एंड दीज मैथड्स आर एक्चुअली कंपिटिशनली वेरी एक्सपेंसिव ऑन दी अदर साइड नॉट ऑलवेज गेंटेड हमेशा ये अच्छी वैल्यू नहीं देंगे अगर आपका गैस ही गलत निकला मिसाल के तौर पर अक्सर अकात होता है ना ये अक्सर ओकात आपके आपने देखा होगा घरों के अंदर लड़कियों को खास आदत होती है वो पूछने की गैस करें कि ये क्या है गैस करें कि ये क्या है आप बताते रहें ये हो गया गैस करें मेरे हाथ में क्या है वो नासपान मसाले की मशहूरी भी आती होते थे ना मेरी मुट्ठी में बंद है क्या आप बता दो ना तो ये वही चीज़ है कि आप इटरेटिव मेथड में ये गैस करते हैं कि तुम्हारी मुट्ठी में दो रुपये का सिक्का वो कहेगी नहीं फिर आप कहते हैं कि मुट्ठी के अंदर इस वक्त आपके पास पेंसिल है या पेन है या वेवर इट इज़ तो वो कहती नहीं तो फिर बाद में कहती नाजपान मिसा वो नाजपान मिसाले तक पहुँचते पहुंचते हो सकता है आप कुछ और गैस करते जाएं वो नाजपान मसाला आपके सामने ना आए सो so ये वही तरीका कार है कि इटरेटिव मेथड क्या है कि फॉलोइंग द गैसेज दैट यू कैन हैव ठीक है लेकिन बहुत बड़े डेटा सेट के लिए वे डायरेक्ट मैथड्स फेल यानी कि ऊपर वाले सारे फेल कर गए हैं ना देन यू यूज दिस थिंग जब आपको परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलते देन यू यूज दिस थिंग जिसको हम इटरेटिव मैथड्स बोलते हैं समझ आई है बात

तो मेरे पास जो इस वक्त का टॉप नॉच का है वो एस वी डी मैथड है और अगर मेरे पास एल यू और बाकी डिकम्पोजिशन भी मुझे पता है दैट्स गुड वरना अगर गोशियन एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन एल यू डिकम्पोजिशन एंड एस वी डी यहाँ तक आप पहुँचते हैं इटरेटिव आप नहीं भी करते अभी क्योंकि एट द एंड यू कैन यूटिलाइज दिस सिस्टम इन इन कंप्यूटर सो वहाँ पर कंपिटिशन ज़्यादा तो यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट दिस वन अगर ऊपर वाले सारे फेल होते हैं तब आप इस पर जाएंगे एंड देन क्रैमर्स रूल तो ये जी मेरे पास कुछ मेथड्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं इनको वन बाय वन करके हम देखेंगे और इनको समझेंगे कि किस तरीके से हमारे पास एक्स और वाई का सोल्यूशन आता है कीप इन माइंड सिंपल इक्वेशन को रिजोल्व करना बहुत आसान है आप पेपर पर भी कर सकते हैं आपने देखा होगा अक्सर औका मैथमेटिशियंस इतनी इतनी बड़ी इक्वेश लिख के बैठे होते हैं तो वो मल्टी वेरिएबल इक्वेशन होती हैं उसके अंदर काफी वेरिएबल्स होते हैं उन मल्टीपल वेरिएबल्स को किस तरीके से आप डीकम्पोज करते हैं डीकम्पोज का मतलब है मल्टीपल वेरिएबल्स को छोटे वेरिएबल्स में लेके आना एंड देन यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ कंप्यूटेशन टू रिजॉल्व दिस इश्यूज अब ये सारा काम जितना भी मैंने आपको बताया है ये आप पाइथन की लाइब्रेरीज में भी करते हैं जो लोग पाइथन का वेट कर रहे थे हम पहुँच गए हैं वहाँ पर तो मैं आपको रूल्स बताऊँगा एंड देन वी विल मूव फर्दर ऑन पाइथन लाइब्रेरीज ये मैथड्स आपको याद होने चाहिए इनकी लिमिटेशन और एडवांटेजेस याद होने चाहिए अगर आप आपको मैथ सारे का सारा आ जाता है लेकिन ये नहीं ना पता कि कौन सा मेथड कब और किस डेटा पे यूज़ करना है आपको कुछ नहीं आता अगर ये नहीं पता ना एस क्यों हाई डायमेंशन पे यूज़ होता है आपको कुछ नहीं आता अगर ये नहीं पता कि क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड को हमने क्यों स्क्वेड पे यूज़ करना है तो आपको कुछ नहीं आता अगर आपको ये नहीं पता कि क्रैमर रूल्स के अंदर आपका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है बिलीव मी यू डोंट नो एनी सो इस वजह से कीप इन योर माइंड